खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले 16 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया। दावा है कि इन अधिकारियों ने लंबित प्रकरणों का समय पर कार्यवाही नहीं की। ऐसे में कलेक्टर ने अधिकारियों को 3 दिन की समय सीमा में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर का संतोषजनक जवाब न देने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रकाश गौतम जेई गोविंदगढ़, रेणु तिवारी जेई रीवा, मनीष जोशी जेई मनगवा, आकाश दीप जेई गुड़, रंजीत साहू जेई हनुमना, आर के तिवारी जेई इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा और पुष्पेन तिवारी जेई मऊगंज को कारण बताओ नोटिस दिया है। इसी तरह कलेक्टर ने नगर निगम के सहायक यंत्री एस के त्रिपाठी, प्रभारी सहायक यंत्री पी एन शुक्ला और उपायुक्त सहकारिता अशोक कुमार शुक्ला को भी नोटिस दिया है। कलेक्टर ने प्राचार्य टी आर एस कॉलेज डॉक्टर के शर्मा, सहायक यंत्री पी एच आई रायपुर करचुलियान के वी सिंह, सहायक यंत्री पी एच आई सिरमौर आर के सिंह, खंड चिकित्सा अधिकारी रीवा डॉक्टर के वी गौतम, सहायक आपूर्ति अधिकारी एएस खान तथा बीईओ सिरमौर रामराज मिश्रा को भी नोटिस दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।